जो रिहायशी इलाके उनको पाकिस्तान टारगेट कर रहा है और कल से ही लगातार सीजफायर का वॉयलेशन, भारी गोलीबारी, लेकिन भारतीय सेना भी लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है। और आइए एक बार फिर से बात करते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते वक्त कल 8 संकल्पों का जिक्र किया जिससे कृषि क्षेत्र समेत देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था को दुरुस्त किया जा सकता है। इस संकल्प में किसानों की आय दोगुनी करना सबसे अहम था। बजट में किसान हितों का जिक्र करते हुए वित्त मंत्री ने दावा किया कि अनाज खरीद में तेजी आई है और किसानों को भुगतान में भी बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी हुई है। इससे किसानों को समय पर फसल का दाम मिला जो उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में कारगर साबित होगा। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में बताया कि बीते कारोबारी साल में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की रिकॉर्ड खरीद हुई और फायदा पाने वाले किसानों की गिनती का भी नया रिकॉर्ड बना। पीएम मोदी ने साफ किया कि बजट के दिल में गांव और किसान हैं। जावेद, आपके पास आते हुए देखिए, अर्थव्यवस्था और किसान ये दोनों फोकस रहे सरकार के कल के आम बजट में, अब किस तरीके का रिएक्शन उधर किसानों की तरफ से? देखिए, कल जिस तरह से बजट आया और तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे वो पीयूष गोयल हो या फिर स्मृति ईरानी के बाद में इंटरव्यूज है, सब ने एक ही बात कही कि वो लगातार किसानों के साथ खड़े हैं। 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है जब किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किसानों को ये समझना होगा कि सरकार अभी भी बातचीत के दरवाजे सरकार के लिए खुले हैं। लगातार सरकार इसी बात को कह रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो सामने आगे आए और उन्होंने कहा कि जो 22 जनवरी को सरकार ने प्रस्ताव रखा था उस पर अभी भी सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। तो ये अब किसानों के ऊपर है कि यहाँ से अब आगे किस तरह से जाएंगे, लेकिन बजट में खास ख्याल किसानों का रखा है और वो जो चाहे MSP की बात हो या और दूसरी किसानों से जुड़े मुद्दे हों, उन पर सरकार का साफ तौर पर कहना है कि वो किसानों के साथ खड़ी है। ठीक है जावेद, लौटेंगे आपके पास। पहला डिजिटल बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। बजट पेश करने के बाद न्यूज 18 को दिए अपने पहले इंटरव्यू में उन्होंने कृषि सुधार कानूनों पर किसानों को बातचीत का न्योता दिया, साथ ही भरोसा दिया कि सरकार कानून से जुड़े हर मसले पर चर्चा के लिए तैयार है। Why do you think that farmers doubt the intent of this government? That is surprising to me actually, because if our MSP performance is undoubtedly steadily going up from 2014 till today, to doubt the intent of the government, and that is where I feel I honestly want them to come on to the table, be at the table and talk it out with Narendra Singh Tomar, the minister, and specifically tell us where your grievances are. The PM himself has said that he is willing to look at any modification that they want and talk about it. I honestly want them to come and specify where does the problem lie. बजट पेश करने के बाद न्यूज 18 को दिए अपने पहले इंटरव्यू में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आंदोलन के लिए कुछ किसानों को बहकाया गया। Do you think the protests are mostly stoked by opposition parties, by people from outside rather than real farmers? I mean, is that the feeling? I honestly don't know who's stoking it, but I honestly also equally know that farmers, at least those who are present there, at least some of whom are farmers, are probably misguided. I want them to talk. I want them to please talk. I want them to talk on particular points of concern. अनुराग